हे गाइस, ऑल टेक अपडेट्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आपको तो पता है कि ये सीजन जो है फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अभी 26 जनवरी आने वाला है। ऑनलाइन कंपनियों ने बहुत सारे फ़ोन के प्राइस ड्रॉप किए हैं, मतलब जो हाई रेंज के फ़ोन थे उसके 2,000 रुपये कम हो गए हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है फ़ोन परचेस करने का। अगर आप 8,000 के अंदर का फ़ोन परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको टॉप 3 फ़ोन सजेस्ट करूँगा। आप उन 3 फ़ोन में से भी एक फ़ोन परचेस कर सकते हो अगर आप मार्केट में देखना चाहते हो या फिर ऑनलाइन देखना चाहते हो। तो ये 3 फ़ोन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखेंगे और साथ ही साथ इसके स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया। सबसे पहले फ़ोन की अगर बात करें तो सबसे पहला फ़ोन जो है वो आ रहा है Realme C1, जो 8,000 के रेंज का फ़ोन हो गया था। Realme वालों ने पहले 7,000 में निकाला था, फिर 8,000 कर दिया। अब जो है हाल ही में फिर ये 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख के टाइम में ये फिर से 7,000 का हो गया। इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और इसको जो है रेटिंग मिली है 4.4 की, मतलब कि हार्डवेयर भी इसके बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। सबसे पहले अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आता है 6.2 इंच की नॉच डिस्प्ले के साथ। इसमें 2GB की रैम है, 16GB इंटरनल स्टोरेज है और 4230mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जैसा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप गेमिंग वगैरह का एक्सपीरियंस अच्छा ले सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकंड फोन की। तो गाइज, यहाँ पे अगर सेकंड फ़ोन की बात करें तो सेकंड फ़ोन जो है Honor 7A। 7A बहुत ही ज़्यादा कमाल का फ़ोन है और इसकी जो प्राइस रखी गई थी पहले 9,000 के रेंज का था। अभी हाल ही में ये 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख की डेट में फ्लिपकार्ट पे आपको 7,499 रुपये का देखने को मिल जाएगा। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। सबसे पहली बात तो इसमें 5.7 इंच की फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो इसकी रैम और रोम की क्वालिटी मिलेगी वो मिलेगी 3GB की रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें देखिए एक चीज़ अच्छी है कि आपको इंटरनल स्टोरेज भी ज़्यादा मिल रहा है, साथ ही साथ आपको रैम मिले जिसमें आप गेमिंग वगैरह का एक्सपीरियंस अच्छा ले सकते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वीडियोस का भी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपका फ़ोन लैग वैग जल्दी नहीं करेगा और फ़ोन में क्वालिटी बहुत अच्छी दे रखी है। अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको बैक पे डुअल कैमरा मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको डेप्थ इनेबल जैसा मोड भी देखने को मिल जाएगा, जिससे फोटो ब्लर ब्लर होती है, ठीक है। और फ्रंट कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो बैटरी है वो 3000mAh की रखी गई है। 3000mAh की एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है और साथ में आपको इसका जो प्रोसेसर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। तो जो फर्स्ट फोन था Realme C1 उसमें भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जैसा प्रोसेसर देखने को मिल रहा था और सेकंड फोन में भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जैसा फोन स्नैपड्रैगन जैसा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये भी फ़ोन परफेक्ट है। ये 9,000 के रेंज का फ़ोन था, अभी हाल ही में इसको 20 तारीख से लेकर 22 तारीख के टाइम में इसको 7,499 रुपये का रखा गया। तो आप फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हो या फिर आप मार्केट में जाकर सर्च कर सकते हो, ये भी फ़ोन आपके लिए परफेक्ट होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे हम तीसरे फ़ोन की बात कर लेते हैं। तीसरा फ़ोन जो है वो है Lenovo का K8 Note, जो पहले जो है 11,000 रुपये का था, अभी जो है फ्लिपकार्ट पे आपको 7,499 रुपये का देखने को मिल जाएगा। जो अभी जो सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे उसमें आपको 7,499 रुपये का देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 5.5 इंच की डिस्प्ले और अगर रैम रोम की बात करें इसमें तो रैम आपको मिलती है 4GB की और साथ में आपको इंटरनल स्टोरेज 64GB का देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी 128GB तक। अब चलिए इसके कैमरे की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 13+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट का जो है वो आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो एक सुपर सेल्फी कैमरा होगा। इसमें आप उसमें फोटोज वगैरह बहुत अच्छी क्लिक कर सकते हो। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये इसका जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का DeCaCore का प्रोसेसर, जो आपको गेमिंग वगैरह में बहुत ही हेल्प करेगा, मतलब आप हाई रेंज के गेम वगैरह खेल सकते हो, ग्राफिक जितनी भी हाई हो आप इसमें आसानी से खेल सकते हो। अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये भी फ़ोन बहुत ही अच्छा है 7,499 रुपये में, क्योंकि आपको इसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।